हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू PST जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी एंड इन टुडेज सेशन मैं आप सभी के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जो इस साल के लिए PST एडमिशन्स टेस्ट होने वाली है, उसमें जो रिसर्च मेथडोलॉजी का सब्जेक्ट है वो सिखा रही हूँ। एंड इन टुडेज सेशन हम डेटा कलेक्शन मेथड्स इन रिसर्च इन डिटेल देखेंगे बाई यूजिंग MCQs। डेटा कलेक्शन मेथड्स में काफ़ी सारे मेथड्स आते हैं, जैसे कि क्वेश्चनेयर है, सर्वे है, इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है, एक्सेट्रा। सो ये सारे डेटा कलेक्शन मेथड्स हम इन डिटेल देखेंगे बाय यूजिंग MCQs, जिसके ऊपर आपको हमेशा काफ़ी सारे MCQs PST एडमिशन टेस्ट में पूछे जाते हैं। दैट्स वाई ये सारे डेटा कलेक्शन मेथड्स एंड उनके कॉन्सेप्ट्स मैंने इस सेशन में कवर किए हैं। सो आपको ये सेशन एंड तक देखना है ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट इस बेगिन विद दिस सेशन। सो आप सभी को तो पता है AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ पे PST एडमिशन टेस्ट होने वाली है फॉर दिस ईयर, जिस टेस्ट को सभी को देना है। एंड इस टेस्ट में आपको 50% MCQs रिसर्च मेथडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर पूछे जाते हैं एंड 50% MCQs आप सभी को कंसर्न्ड सब्जेक्ट के ऊपर पूछे जाते हैं। एंड आप सभी को 50% या फिर उससे भी ज़्यादा मार्क्स को स्कोर करना है, तब भी आप PST एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई कर पाओगे। सो इसे क्वालिफाई करने के लिए हम सारे स्टूडेंट्स को रिसर्च मेथडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स की मदद से सारे स्टूडेंट्स रिसर्च मेथडोलॉजी में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करके PST एडमिशन टेस्ट को गारंटीड क्वालिफाई करते हैं। इसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें थियोरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज़ अवेलेबल है। आप सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ईच मॉक टेस्ट कंटेंस 40 MCQs। दैट्स वाई आपके ओवरऑल इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। इन मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद आप जान सकते हो कि आपका प्रिपरेशन कहाँ तक हुआ है। इसमें आपको 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिविजन PDF प्रोवाइड किया जाता है, जिस PDF की मदद से आप सारे टॉपिक्स को एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हो। एंड आपको 80% MCQs इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथडोलॉजी सेक्शन ऑफ द PST एडमिशन टेस्ट एट AMU। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है, ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है, देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए कौन से भी व्हाट्सएप नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फ़ीस है सिर्फ 699 एंड इन कम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स की गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये रिसर्च मेथडोलॉजी कंप्लीट कोर्स जो है, विच इज़ नथिंग बट अ रिसर्च मेथडोलॉजी रिविजन पैकेज, जिसकी मदद से आप काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई करके PST एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई कर ही सकते हैं। ओके, टेक अ डैश सैम्पल, वी कैन डैश द साइज ऑफ द सैम्पलिंग एरर। सो हम लोगों को किस प्रकार का सैम्पल सिलेक्ट करना चाहिए ताकि सैम्पलिंग एरर की साइज इतनी इतनी होगी। सो इंक्रीज, डिक्रीज, स्मॉलर, लार्जर, रिड्यूस, मेक स्मॉलर, नॉट ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स, सैम्पलिंग एरर जो है, इसका डेफिनेशन ये है कि सैम्पल स्टैटिस्टिक माइनस ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर। सो वेन एवर आपको ये सब्सट्रैक्टेड वैल्यू मिलेगी, देन दैट विल बी योर सैम्पलिंग एरर। सो सैम्पल स्टैटिस्टिक से आपको ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर को माइनस करना है, देन आपको सैम्पलिंग एरर की वैल्यू मिलेगी। सो इसका मतलब ये है कि जितना ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर का वैल्यू सैम्पल स्टैटिस्टिक से ज़्यादा डेविएट रहेगा, उतना ही सैम्पलिंग एरर आपका ज़्यादा रहेगा। एंड जितना ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर का वैल्यू आपका सैम्पल स्टैटिस्टिक से इक्वल होगा, उतना ही सैम्पलिंग एरर कम मिलेगा। एंड अगर आपको कम सैम्पलिंग एरर चाहिए, देन इन दैट सिचुएशन आपकी जो सैम्पल साइज है बेसिकली, वो आपको लार्ज रखनी है। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप स्मॉलर सैम्पल साइज को चूज करोगे, देन सैम्पलिंग एरर की साइज बढ़ जाएगी। सो स्मॉलर सैम्पल साइजेस
tend to result in larger sampling errors, and that's why your correct answer in this situation will be 2, because smaller sample can result in the larger size of the sampling error. So sampling error and sample size, इन दोनों के बीच में भी inverse proportion है. मतलब अगर आप एक की वैल्यू अगर आप डिक्रीज या फिर इंक्रीज करोगे, देन दूसरे की वैल्यू आपकी इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगी. ओके, वाइस वर्सा. दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इन्यूमरेशंस क्लेम्स इज ट्रू, यानी कि गणना के निम्नलिखित दावों में से कौन सा सही है. सो वेदर फर्स्ट ऑप्शन, वन सेंसस इज कंडक्टेड एवरी 20 ईयर्स, वन सेंसस इज कंडक्टेड एवरी 7 ईयर्स, one census is conducted every 10 years, one census is conducted every 5 years. So students, what is exactly census? So census is the official count of population. मतलब for example, इंडिया हमारी country है, so इंडिया में जितना भी population है उसका जो overall official count है उसे census कहा जाता है. Okay, and सेंसस ये हमेशा एवरी 10 ईयर्स में लिया जाता है विद इन इंडिया, बट बाकी के कंट्रीज में इसकी पॉलिसी अलग है. किसी कंट्री में 10 से भी ज़्यादा ईयर्स होते हैं टू कंडक्ट द सेंसस, एंड किसी कंट्री में 10 से भी कम ईयर्स होते हैं. ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी ऑफ द कंट्री, एंड दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, बिकॉज विद इन इंडिया द सेंसस इज कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स. ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम सभी को AMU PhD एडमिशन्स टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 यानी कि कंसर्न सब्जेक्ट सेक्शन में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं. सो MCQs में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं. स्क्रीन पर ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. इफ़ यू वांट स्टडी मटेरियल फॉर एनी अदर सब्जेक्ट, देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस सिर्फ 999 है, एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स का गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं. टू ज्वाइन आवर कोर्सेज, आप स्क्रीन पर कौन से भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं. पेपर 2 स्टडी मटेरियल आप सभी को PhD एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए तो मदद करेगा ही, बट उसी के साथ वो आप सभी को इंटरव्यू सेशन को क्वालिफाई करने के लिए भी काफ़ी हेल्प करेगा, बिकॉज इंटरव्यू सेशन में आपको काफ़ी सारे MCQs कंसर्न्ड रिसर्च टॉपिक के बारे में पूछे जाते हैं. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ डेटा इज एक्यूरेट. सो इनमें से कौन सा क्लेम ऐसा है जो डेटा कलेक्शन के बारे में सही है. सो लेट अस सी डिफरेंट ऑप्शंस ओवर हियर. द प्राइमरी गोल ऑफ द कलेक्शन ऑफ डेटा इज टू प्रोवाइड द प्रूफ नेसेसरी टू अराइव एट अ डेफिनेटिव सोल्यूशन टू द इशू. द प्राइमरी गोल ऑफ द कलेक्टिंग ऑफ डेटा इज टू डेमॉन्स्ट्रेट द मूवमेंट नेसेसरी टू अराइव एट अ डेफिनेटिव सोल्यूशन टू द इशू एट हैंड. द प्राइमरी गोल ऑफ कलेक्टिंग डेटा इज टू डेमॉन्स्ट्रेट द डिजाइन नेसेसरी टू अराइव एट अ डेफिनेटिव आंसर टू द इशू. द प्राइमरी गोल ऑफ द कलेक्टिंग डेटा इज टू प्रेजेंट द नंबर्स नेसेसरी टू अराइव एट अ डेफिनेटिव सोल्यूशन टू द इशू. सो स्टूडेंट्स, हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, सो वॉट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड इट और वॉट इज द पर्पज ऑफ इट. सो हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं ताकि हमारा जो रिजल्ट्स का सोल्यूशन है उसके लिए हमें एक प्रॉपर एविडेंस मिले. ओके, सो दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1, बिकॉज द प्राइमरी यू नो गोल ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा इज टू प्रोवाइड द प्रूफ विच इज नेसेसरी टू अराइव एट द डेफिनेटिव सोल्यूशन टू द इशू. ओके, एंड दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स, जो डेटा होता है कलेक्टेड डेटा विच शुड बी यू नो रिप्रेजेंटेटिव अनबायस्ड एंड कलेक्टेड थ्रू अप्रोप्रिएट मेथड्स, एंड दैट्स वेयर जो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं थ्रू द डिफरेंट डेटा कलेक्शन मेथड्स वो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन एज वेल वो अनबायस्ड होना चाहिए. मतलब सब एक्चुअली हमें फेयरली करना है, एज वेल हमें अप्रोप्रिएट डेटा कलेक्शन मेथड्स को भी यूज करना चाहिए, एंड इसका एम यही होता है कि टू प्रोवाइड प्रूफ विच इज़ नेसेसरी फॉर फाइंडिंग अ डेफिनेटिव सोल्यूशन.
ओके अगर आपको मूवमेंट को अगर आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है ओके देन उसके लिए आप यू नो डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स या फिर डिफरेंट डेटा एनालिसिस मेथड्स को भी यूज कर सकते हो. सो डेटा को कलेक्ट करके ओके उसका प्राइमरी गोल ये नहीं होता है कि इट शुड डेमोन्स्ट्रेट द मूवमेंट विच इज नेसेसरी टू अराइव एट अ डेफिनेटिव सोल्यूशन टू द इशू ऑफ द प्रॉब्लम. ओके सो इसके लिए आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स या फिर डेटा एनालिसिस मेथड्स को भी यूज कर सकते हो. सो दिस ऑप्शन गेट्स एलिमिनेटेड. अगर आपको डिजाइन को डेमोन्स्ट्रेट करना है देन इसके लिए भी आप डेटा को कलेक्ट नहीं करते हो. बेसिकली रिसर्च डिजाइन ये रिसर्च के पर्पस के साथ जुड़ा हुआ होता है. मतलब व्हाट एक्चुअली रिसर्चर वांट्स आफ्टर डूइंग द रिसर्च, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये रिसर्च हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसमें इधर क्वांटिटेटिव डेटा है या फिर क्वालिटेटिव डेटा है, एंड किस प्रकार के डेटा कलेक्शन मेथड्स आप यूज करने वाले हो. बेसिकली डेटा कलेक्शन के आधार पर हम लोग तय करते हैं कि एग्जैक्टली हमें कौन सा रिसर्च डिजाइन यूज करना है. एंड दैट्स व्हाई डेटा कलेक्शन का प्राइमरी गोल ये नहीं होता है टू डेमोन्स्ट्रेट द रिसर्च डिजाइन विच इज नेसेसरी. ओके दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन गेट्स एलिमिनेटेड. अगर फोर्थ ऑप्शन तो एलिमिनेट ही होगा. अगर हमें नंबर्स को प्रेजेंट करना है देन व्हाई वी विल कलेक्ट द डेटा, बेसिकली दिस इज इररिलेवेंट. दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी वन. Which of the following claims regarding class intervals is accurate? Now, इनमें से कौन सा claim ऐसा है जो class intervals के regarding accurate है? In the case of continuous variables, the exclusive class intervals are frequently utilized. When dealing with continuous variables, inclusive class intervals are frequently used. When dealing with continuous data, offline class intervals are frequently utilized. When dealing with continuous variables, the online class intervals are frequently used. So basically students, let us see first of all what are the class intervals, उसके types क्या है and हम लोग class intervals क्यों बनाते हैं. ओके सो बेसिकली स्टूडेंट्स हम लोग क्लास इंटरवल्स बनाते हैं ताकि हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सके एंड उसको ग्रुप कर सके ओके इनटू द कैटेगरीज इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो फॉर एग्जांपल आपके पास काफ़ी सारा डेटा है ओके एंड उस डेटा को अगर आपको कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज करना है एंड ग्रुपिंग करना है देन उसके लिए आप क्लास इंटरवल्स बनाओगे इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ईच डेटा की एक फ्रीक्वेंसी होती है ओके सो टू डेमोन्स्ट्रेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एंड एवरी डेटा इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ऑल ऑफ यू गेटिंग. एंड इसमें दो प्रकार होते हैं. इनमें से सबसे पहला प्रकार है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स एंड दूसरा प्रकार है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स. सो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स जो होते हैं which includes both end points of interval. For example, मैंने data को 1 to 10 ऐसे intervals में divide किया है, then 11 to 20, okay? So, inclusive class interval में ये जो lower limit है, ये भी included होता है, and upper limit ये भी include होता है. So, this is called कि it is included both end points of interval. And inclusive class intervals are used with continuous variables. सो अगर आपको कंटिन्यूअस वेरिएबल्स को यू नो कैटेगराइज करना है, ग्रुपिंग करना है, सो फॉर दैट आप इंक्लूसिव और जो यू नो क्लास इंटरवल्स होते हैं उनको आप यूज करोगे. सो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स यानी कि इसमें जो नंबर्स होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, मतलब उसमें यू नो पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे कि 1.1, 1.2, 1.3. सो द वैल्यूज आर बेसिकली कंटिन्यूअस. And what is exclusive? These are exactly opposite to inclusive class intervals. इसमें जो end points का data होता है वो पूरे interval में होता नहीं है, मतलब included नहीं होता है. जैसे कि अगर 1 to 10 है then 1 and 10 ये दो numbers इस interval में include नहीं होंगे. And अगर आपको discrete variables को categorize करना है then उसके लिए आप exclusive class intervals को use करोगे. Discrete variables यानी कि इसके जो वैल्यूज होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ऐसे, उसमें पॉइंट्स नहीं होते और किसी भी प्रकार के रेशोज भी नहीं होते. सो योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी 2. ओके बिकॉज व्हेन डीलिंग विद कंटिन्यूअस वेरिएबल्स इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड. ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है.
when it comes to spatial classification, location-based criteria are used to categorize data. Data are categorized using time series. When it comes to spatial categorization, data is categorized based on quantitative classification. For spatial categorization, data is categorized based on chronological categorization for spatial classification. So students, first of all हम लोग देखते हैं कि spatial classification exactly होता क्या है and ये हम लोग कब use करते हैं and why we use it. Okay? So students, spatial actually spatial जो classification होता है, okay, ये हम लोग use करते हैं जब भी हमें किसी भी data को categorize करना होता है according to their physical appearance और according to their characteristics. जैसे कि अगर आप देखोगे कि location based criteria which is important for spatial classification, because इसमें actually आप data को categorize करते हो based upon physical location, जैसे कि zip code क्या है, then addresses क्या है, like that, okay. And that's why your correct answer for this question should be 1. Because when it comes to spatial classification, location-based criteria are used to categorize data. Okay, अगर आपको time series के साथ data को categorize करना है, then in that situation आप spatial categorization नहीं करोगे. As well, अगर आपको quantitative classification करना है, then in that situation as well, you won't do spatial categorization. Then again, अगर आपको क्रोनोलॉजिकल कैटेगराइजेशन के आधार पर डेटा को कैटेगराइज करना है, देन इन दैट सिचुएशन आल्सो यू डोंट गो फॉर स्पेशल क्लासिफिकेशन, बिकॉज इट इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल अपीयरेंस और द फिजिकल लोकेशन ऑफ द डेटा. जैसे कि लोकेशन बेस्ड क्राइटेरिया में ये आपको बताएगा कि जिप कोड क्या है, देन यू नो एड्रेस क्या है. सो अकॉर्डिंगली आप उस पर्टिकुलर डेटा को आप यू नो क्लासीफाई कर सकते हो, जिसे आप स्पेशल क्लासिफिकेशन बोलते हो. Okay, and that's why your correct answer for this should be 1. Next is dash includes data which is concerning the family background and educational development. Okay, so inme se kaun sa research method aisa hai which includes data which is concerning the family background and educational development. So whether it is a case study, whether it is general behavior, whether it is genetic approach, whether it is adequacy. Okay, so students, अगर आपको you know family background के बारे में data चाहिए, अगर आपको educational development के बारे में data चाहिए, then उसके लिए आप case study इस particular data collection methods को follow करोगे, because case study में आप you know एक ही person पर या फिर group of persons के ऊपर या फिर किसी भी situation के ऊपर आप in depth study करते हो, एंड उसमें आप उसके रिगार्डिंग जितनी भी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप इसमें कलेक्ट करते हो. जैसे कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका एजुकेशनल डेवलपमेंट क्या है, उसका करियर ग्रोथ कैसा है, सो ये सब चीज़ें इसमें होती है. एंड दैट्स वाई केस स्टडी इंक्लूड्स डेटा विच इज़ कंसर्निंग द फैमिली बैकग्राउंड एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट. सो योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी 1. जनरल बिहेवियर, जेनेटिक अप्रोच एंड एडेक्वेसी, ये तीनों भी डेटा कलेक्शन मेथड्स नहीं है. केस स्टडी दिस इज द डेटा कलेक्शन मेथड इन रिसर्च मेथडोलॉजी. उसके अलावा क्वेश्चन एयर इज वन ऑफ द डेटा कलेक्शन मेथड इन रिसर्च मेथडोलॉजी. ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यूज है, ओके, ये सब डेटा कलेक्शन मेथड्स है. ओके, नेक्स्ट इज अ रिसर्चर वॉन्ट्स टू स्टडी द एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड यूजिंग ऑफ मोबाइल फोन. डेटा कलेक्टेड फॉर दिस स्टडी विल बी. सो अगर कोई भी रिसर्चर स्टडी करना चाहता है कि जेंडर एंड यूजिंग अ मोबाइल फोन इनके बीच में क्या एसोसिएशन है, देन उसके लिए वो किस प्रकार का डेटा कलेक्ट करेगा. सो वेदर ही विल कलेक्ट क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा और कंटिन्यूअस डेटा और क्लासिफाइड डेटा. सो स्टूडेंट्स, किसी भी रिसर्च मेथडोलॉजी सब्जेक्ट में दो प्रकार के डेटा में डेटा होते हैं, एंड उसमें से पहला है क्वांटिटेटिव डेटा, ओके, एंड जो दूसरा है वो है क्वालिटेटिव डेटा. फाइन. सो क्वांटिटेटिव डेटा में जो डेटा होता है वो बेसिकली न्यूमेरिकल डेटा होता है. इसमें जितने भी सारे वेरिएबल्स होते हैं उसको आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हो. ओके, दिस इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव डेटा.
एंड क्वालिटेटिव डेटा ये वर्ड एंड पिक्चर फॉर्मेट में होता है, इसको आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन नहीं करते हो, एंड क्वालिटेटिव डेटा को बेसिकली क्लासिफाई किया जाता है रादर दैन मेजरमेंट, बट क्वांटिटेटिव डेटा को आप न्यूमेरिकली मेजर भी कर सकते हो. ओके, एंड दैट्स वाई अगर किसी भी रिसर्चर को अगर जानना है कि जेंडर एंड यूजिंग अ मोबाइल फोन इनके बीच में क्या एसोसिएशन है, सो उसके लिए वो क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट करेगा, बिकॉज क्वालिटेटिव डेटा इंक्लूड्स ऑल द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल. मतलब कोई भी इंडिविजुअल क्या एक्सपीरियंस करता है, उसके ओपिनियंस क्या है किसी भी चीज़ के बारे में, ये सब चीज़ें आपको क्वालिटेटिव डेटा में मिलती है, ना कि क्वांटिटेटिव डेटा. बिकॉज अगर जेंडर एंड यूजिंग अ मोबाइल फोन, ये इसका जो अगर कोई एसोसिएशन है, इफ़ यू वॉन्ट टू नो दैट, देन आप क्या करोगे, आप डिफरेंट जेंडर्स से उनका ओपिनियन लोगे कि एग्जैक्टली हाउ दे फील अबाउट द मोबाइल फोन दे यूज़, राइट. जैसे कि फीमेल जेंडर से आप पूछोगे कि आप कौन सा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, ओके, व्हाट आर योर ओपिनियंस. आप मेल कैंडिडेट्स को पूछोगे, आप ट्रांसजेंडर को भी पूछोगे, सो अकॉर्डिंगली उनसे आपको ओपिनियंस मिलेंगे, उनसे आपको एक डिस्क्रिप्टिव उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो मिलेगा आपको. सो दिस विल बी नथिंग बट द क्वालिटेटिव डेटा. ओके, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी टू. नेम द मेथड विच डील्स विथ ओनली वन पर्सन एट अ टाइम एंड प्रमोट्स हिज एडजस्टमेंट. सो इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो सिर्फ एक ही पर्सन के साथ एट अ टाइम डील करता है एंड उसके एडजस्टमेंट को भी प्रमोट करता है. सो वेदर इट इज़ केस स्टडी, वेदर इट इज़ क्वेश्चनेयर, वेदर इट इज़ क्लिनिकल मेथड, वेदर इट इज़ एक्सपेरिमेंटल मेथड. ओके, मेथड, फाइन. सो स्टूडेंट्स, ये सब बेसिकली यू नो डेटा कलेक्शन मेथड्स है, केस स्टडी, क्वेश्चनेयर, क्लिनिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड. ओके, सो स्टूडेंट्स, केस स्टडी तो हमने अभी देखा, विच इज़ एक्चुअली नथिंग बट द डेटा कलेक्शन मेथड, जिसमें हम एक ही इंडिविजुअल के ऊपर इनडेप्थ स्टडी करते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. क्वेश्चनेयर में आप क्वेश्चनेयर्स बनाते हो एंड उन्हीं क्वेश्चनेयर्स को आप रिस्पोंडेंट्स के साथ शेयर करते हो, इधर थ्रू ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड, एंड रिस्पोंडेंट्स आपको रिस्पॉन्सेस भी प्रोवाइड करते हैं. देन क्लिनिकल मेथड में एक्चुअली आप किसी भी ड्रग के ऊपर स्टडी कर सकते हो. सो यू कैन असाइन डिफरेंट ग्रुप्स, जैसे कि कंट्रोल ग्रुप है, ट्रीटमेंट ग्रुप है, एंड उसमें आप काफ़ी सारे पर्सन्स को असाइन कर सकते हो, इधर रैंडमली और नॉट रैंडमली, एंड उनके ऊपर आप स्टडी करते हो कि एग्जैक्टली इस ड्रग का असर उन पर क्या होता है, वेदर इट इज़ इफेक्टिव और नॉट. सो दिस इज़ कॉल्ड एज क्लिनिकल मेथड. एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड में असल में एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं इन अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट, जिसमें रिसर्चर के पास वो सारी एबिलिटीज़ होती है कि वो वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सके एंड उनको स्टडी कर सके. दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी वन, दैट इज़ केस स्टडी, बिकॉज केस स्टडी इज द ओनली डेटा कलेक्शन मेथड जिसमें ओनली वन पर्सन के साथ आप डील कर सकते हो एट अ टाइम, एंड एज वेल पर्सन के जितने भी सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं उनको भी यहाँ पे प्रमोट किया जाता है. सो बेस्ड अपॉन द विलिंगनेस ऑफ द पर्सन रिसर्चर वैसे ही बिहेव करता है, एंड रिसर्चर यहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट करता है जो पर्सन उसके स्टडी में पार्टिसिपेट करता है. ओके, सो दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी वन. नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इन अ करेक्ट सीक्वेंस. सो जब भी आप डेटा को प्रोसेस करते हो देन उसमें काफ़ी सारे स्टेजेस होती है, एंड यहाँ पे वो सारे स्टेजेस आपको प्रोवाइड किए हैं, बट इन सारे स्टेजेस को आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है. सो वेदर इट इज़ कोडिंग, वेदर इट इज़ एडिटिंग, वेदर इट इज़ टैब्यूलेशन, वेदर इट इज़ क्लासिफिकेशन, वेदर इट इज़ यूजिंग परसेंटेजेस. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप डेटा को एडिट करोगे. सो यू विल गो फॉर एडिटिंग, जिसमें आप रॉ डेटा को एक अच्छा डेटा बनाओगे. सो फॉर एग्जांपल, अगर डेटा में कोई भी इनएक्यूरेसीज है देन यू विल रिमूव दैट इनएक्यूरेसीज. ऑल ऑफ यू गेटिंग? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो फॉर एडिटिंग, देन आफ्टर दैट यू विल गो फॉर कोडिंग. कोडिंग में आप डेटा को सिंबलाइज करोगे, मतलब काफ़ी सारा डेटा होता है एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू कोड द डेटा, ताकि आप उनको पहचान सको इन द होल रिसर्च प्रोसेस. ओके, बाय अ स्मॉलर सिंबल और स्मॉलर नंबर. देन आफ्टर दैट यू विल गो फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा आप उनको क्लासिफाई करोगे.
देन आफ्टर दैट यू विल गो फॉर टैब्यूलेशन। टैब्यूलेशन यानी कि आप डेटा को टैब्यूलर फॉर्म में कैटेगराइज करोगे। नॉट ओनली कैटेगराइज, आप डेटा को टैब्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। सो बाय कन्वर्टिंग देम इनटू टैब्यूलर फॉर्मेट, ये आपके लिए बहुत ईजियर होगा ताकि आप डेटा को जान सको, उनको अंडरस्टैंड कर सको। एंड योर लास्ट स्टेप विल बी यूजिंग परसेंटेजेस। सो डेटा को टैब्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप उनका परसेंटेज भी बना सकते हो। हम लोग परसेंटेज बनाते हैं ताकि हम परसेंटेजेस को रिसर्च के रिजल्ट्स में अच्छी तरीके से बता सके थ्रू डिफरेंट ग्राफिकल मेथड, जैसे कि बार ग्राफ है, देन पाई चार्ट है, राइट? एंड दैट्स व्हाई परसेंटेजेस को एक्चुअली देखना एंड उनको जानना बहुत इजी होता है। एंड जब भी आप डेटा को टैबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो, देन फ्रॉम द टैबुलर फॉर्मेट ये बहुत इजी हो जाता है कि आप उस डेटा को परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर सके। दैट्स व्हाई योर करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस विल बी 4, विच इज BADCE, जिसमें से सबसे पहला है एडिटिंग, देन सेकेंड इज कोडिंग, देन थर्ड इज क्लासिफिकेशन, देन टैब्यूलेशन एंड देन यूजिंग परसेंटेजेस। ओके, द टेक्निक्स बाय विच वी कैन स्टडी एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी बाय ऑब्जर्विंग हीज और हर स्टाइल ऑफ लाइफ, बिहेवियर, मैनर, थॉट्स एंड फीलिंग्स इज कॉल्ड। सो इनमें से कौन सी टेक्निक ऐसी है जिसकी मदद से आप सभी लोग इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी के बारे में स्टडी कर सकते हो बाय ऑब्जर्विंग हीज और हर स्टाइल ऑफ लाइफ, देन उनका बिहेवियर कैसा है, उनका मैनर कैसा है, उनके थॉट्स कैसे हैं, उनके फीलिंग्स कैसे हैं। सो वेदर इट इज़ इन्वेंटरी, वेदर इट इज़ केस हिस्ट्री, वेदर इट इज़ रेटिंग स्केल, वेदर इट इज़ प्रोजेक्टिव। सो स्टूडेंट्स, रेटिंग स्केल ये तो बेसिकली एक यू कैन से डेटा कलेक्शन मेथड ही है, जिसमें एक्चुअली आप क्या करते हो, आप रिस्पॉन्डेंट्स को क्वेश्चंस पूछते हो, बट आपके जो क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं वो आप पहले से ही तय करते हो, जिसमें आप एक पर्टिकुलर रेटिंग देते हो, जैसे कि गुड, बैड, वेरी गुड, अप्रोक्सीमेट, और जैसे कि अग्री, डिसअग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री, नॉर डिसअग्री, नॉर अग्री, लाइक दैट। सो बेस्ड अपॉन दैट रेटिंग रिस्पॉन्डेंट्स आपको रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड करते, बट इसमें आप इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी के बारे में स्टडी नहीं कर सकते हो। बेसिकली उनका बिहेवियर कैसा है, उनका मैनर कैसा है, उनका स्टाइल ऑफ लाइफ कैसा है, उनके थॉट्स क्या है, उनके फीलिंग्स क्या है, यू कैंट स्टडी, बिकॉज यहाँ पे आपको सिर्फ रेटिंग के आधार पर ही आंसर्स मिलते हैं, जैसे कि ट्रू और फॉल्स, अग्री डिसअग्री। सो यू कैंट जज एनी वन बेस्ड ऑन दिस रेटिंग स्केल। सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। प्रोजेक्टिव टेक्निक इज वन ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी टेक्निक, जैसे कि अगर आपने देखा होगा रोरशैक प्रोजेक्टिव टेक्निक, जो कि एक विजुअल प्रोजेक्टिव टेक्निक है, जो कि साइकोलॉजी में हमेशा यूज़ की जाती है ताकि यू नो साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो जान सके कि एग्जैक्टली व्हाट आर द विजुअल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द पेशेंट्स। ओके, सो दिस अगेन गेट्स एलिमिनेटेड। सो योर रिमेनिंग ऑप्शंस आर इन्वेंटरी एंड केस हिस्ट्री, जिसमें से इन्वेंटरी का मतलब होता है सूची, जिसमें काफ़ी सारे लिस्ट्स होती है, राइट? सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सो द बचा हुआ ऑप्शन है केस हिस्ट्री, विच विल बी योर करेक्ट आंसर, बिकॉज केस हिस्ट्री में एक्चुअली वो सारा डेटा होता है रिलेवेंट टू द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल, जिसमें उसका लाइफ कैसा है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका मैनर क्या है, व्हाट द एक्सपीरियंसेस ही हैज़ गॉन थ्रू, देन उसके फीलिंग्स क्या है, उसके थॉट्स क्या है, ये सब चीज़ें आप केस हिस्ट्री में जान सकते हो। सो लेट अस सी एग्जैक्टली केस हिस्ट्री में किस प्रकार का डेटा होता है। सबसे पहला डेटा होता है कि बेसिक स्टैटिस्टिकल डेटा, बेसिक स्टैटिस्टिकल डेटा, जिसमें यू नो नेम, देन सेक्स, देन एज, एड्रेस, फोन नंबर, इस प्रकार का डेटा होता है। देन सेकेंड टाइप ऑफ डेटा इंक्लूड्स क्लाइंट्स हिस्ट्री ऑफ सर्विसेज। ओके, क्लाइंट्स हिस्ट्री ऑफ सर्विसेज मतलब उन्होंने जहाँ पे काम किया है उसकी हिस्ट्री, कि एग्जैक्टली उनका जॉब रोल कैसा था, कहाँ पे उन्होंने काम किया है, उनकी एवरेज एनुअल सैलरी कितनी है, वो सब चीज़ें। देन थर्ड डेटा विल बी इन्वेस्टिगेशन परटेनिंग टू क्लाइंट्स केस। ओके, सो क्लाइंट्स केस के रिगार्डिंग जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, सो रिगार्डिंग दैट जितना भी डेटा है, सो वो डेटा किसी भी प्रकार का हो सकता है रिगार्डिंग द केस। देन फोर्थ डेटा इज इन्वेस्टिगेशन आउटकम्स, सो आपको इन्वेस्टिगेशन के कितने आउटकम्स मिले हैं, सो रिलेवेंट डेटा। देन योर फिफ्थ टाइप ऑफ डेटा विल बी पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रीटमेंट्स एंड काउंसलिंग सेशन। सो पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रीटमेंट्स एंड उनके काउंसलिंग सेशंस,
उसके रिगार्डिंग जो डेटा है वो. देन योर सिक्स्थ टाइप ऑफ डेटा विल बी हिस्ट्री ऑफ इलनेसेस. सो अगर उनको कोई भी इलनेसेस पहले हुआ करते थे सो रिगार्डिंग दैट डेटा. देन सेवेंथ इज हिस्ट्री ऑफ कंप्लेंट्स एंड देयर रिजोल्यूशन. सो उनके कोई कंप्लेंट्स थे क्या एंड आफ्टर डूइंग द कंप्लेंट्स वो कंप्लेंट्स रिजॉल्व हुए हैं या नहीं हुए. सो रिगार्डिंग दैट डेटा. एंड द एट्थ टाइप ऑफ डेटा इज हिस्ट्री ऑफ रेफरल्स. ओके मतलब उनके रेफरल्स की क्या हिस्ट्री है. सो दैट रिगार्डिंग डेटा. सो दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी टू दैट इज केस हिस्ट्री. सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स.